हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का 8 सितंबर का पहला शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं वो एक प्रश्न में लेकर के यहाँ आया हूँ। तो देखिए, आज का जो प्रश्न पूछा गया था बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और कोई खास जीके और करंट अफेयर में हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 सितंबर का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया कि आईपीएल 2022 किस टीम ने जीता है। तो देखिए, आईपीएल से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है आपका। कल को पूछा गया था कि आईपीएल का कौन सा संस्करण है, 2022 में जो आईपीएल हुआ वह कौन सा संस्करण है पिछला सीट में पूछा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है गुजरात टाइटन्स ने जो है आईपीएल 2022 का खिताब को जीता है, जिसका कप्तान है हार्दिक पांड्या। ठीक है, चलिए आगे है। आईसीसी T20 क्रिकेट से ही दो प्रश्न आए थे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये प्रश्न में आ गए थे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, UAE और ओमान दोनों जगह में संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था कि प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 में आए मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे। मतलब कि जो पहला गणतंत्र दिवस 1950 में हुआ था उस समय जो मुख्य अतिथि आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, उसका नाम क्या था, सुकर्नो उसका नाम थे। ठीक है, आंसर हो जाता सुकर्नो। आर्टिकल से आज 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि संविधान में अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो कैग से संबंधित है, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित है ना। अगला एक क्वेश्चन और आया था कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय जोड़े गए हैं, तो कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से डेली एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग पंचायती राज व्यवस्था को वीडियो नहीं देखे हैं तो हम वीडियो कल को ही अपलोड किए हैं और वहां पर सूची में कितने कुल विषय हैं ये भी बताया था, अगर देखे होंगे जो आप लोग इसका आंसर आसानी से लगा के आ सकते थे। तो 29 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य से भी डेली प्रश्न आ रहे हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अच्छा, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, तो गंगा नदी जो कि गंगोत्री से निकलती है और यह सबसे ज़्यादा अभी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस समय के अंतराल में हुआ था। मतलब एक क्वेश्चन दिया था इस तरह की खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह किस समय के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन था 1919 से 1922 के बीच, तो बात सही है, इन्हीं के बीच में दोनों आंदोलन हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के से संबंधित है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, और बजट जो है जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जानते हैं यह अनुच्छेद 112 के अंदर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था उल्का पिंड का पृथ्वी में टकराने से कौन सा झील भारत में बनी है, तो लोनार झील, और ये कहाँ पर बनी है, महाराष्ट्र में बनी है। और भी क्या क्या प्रश्न आए थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और बाद बाकी जितने भी प्रश्न आए होंगे सारे को हम जोड़ के सामने PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।